अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम रेडमी 10 की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। अब मेरे पास ये जो 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल रहा है जो कि मेरे पास मौजूद है। मैं यहाँ पे अगर इसके दिखा सकूँ तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज है और ये सी ब्लू कलर में हमारे पास मौजूद है। तो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें जो है वो कैसी डिवाइस देखने को मिल जाती है। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है वो पावर्ड बाय रेडमी लिखा हुआ मिल जाता है और इसके बाद जो है आपको इसके अंदर जो है वो कवर देखने को मिल जाता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ में देखने को मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो हमें जो है वो सिलिकॉन कवर देखने को मिल जाता है, बस नॉर्मल क्वालिटी का है, सही है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त भी नहीं है, बट एक नॉर्मल क्वालिटी का जो है हमें वो कवर देखने को मिल जाता है। इसके बाद जो है वो हमारी डिवाइस है, हम डिवाइस को जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। डिवाइस को देखने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिल जाती है। तो एक चार्जर देखने को मिल जाता है और एक साथ में USB टाइप सी देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। डिवाइस को हम अनरैप कर लेते हैं, देख सकते हैं कि डिवाइस बहुत ज़्यादा अमेजिंग है यार। चेक कर सकते हैं कि मीन्स कि इसका डिज़ाइन कितना खूबसूरत है और काफ़ी यानी कि फ्लैगशिप जो है वो डिज़ाइन है, यानी कि किसी फ्लैगशिप फ़ोन से इंस्पायर लगता है। और जिस तरह के MI 11 Ultra का था आई थिंक डिज़ाइन, उस तरह थोड़ा बहुत इंस्पायर लगता है। और इसका ये जो सी ब्लू कलर है ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, ब्यूटीफुल है, आप इसको देख सकते हैं। तो डिवाइस को मैं सेटअप कर लेता हूँ, टर्न ऑन कर लेता हूँ और फिर मिलता हूँ। तो यहाँ पे व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि डिवाइस को मैंने सेटअप कर लिया है, यहाँ पे सेटअप हो चुकी है हमारी डिवाइस। और यहाँ पे कुछ इस तरह का जो है हमें इसका फर्स्ट लुक देखने को मिल जाता है डिस्प्ले का, यानी कि कुछ इस तरह डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इसकी मैं थोड़ी ब्राइटनेस जो है वो सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे जो है सबसे पहले हम जो है वो वर्जन चेक कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे कौन सा देखने को मिल जाता है एंड्रॉयड का। तो यहाँ पे एंड्रॉयड 11 हमें देखने को मिल जाएगा और साथ में MIUI 12.5.4 हमें देखने को मिल जाता है। तो लेटेस्ट जो है MIUI की अपडेट इसमें आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे जो है अगर आप इसका पंचोल देख सकें तो काफ़ी जो है मुझे बड़ा लग रहा है इसका पंचोल। तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी बड़ा पंचोल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। चिन भी थोड़ी जो है वो साइज़ में थोड़ी सी बड़ी लग रही है, कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाता है। और बैक साइड का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। इसकी प्राइस आपको जो है 32,999 रुपीज़ देखने को मिल जाती है, यानी कि 33,000। और इस पर जो है आपको दराज पर डिस्काउंट भी देखने को मिल रहा है। और उसके बाद ये आपको 31,000 की डिवाइस देखने को मिल जाती है। इसमें आपको बैक पे 50 MP का एक मेन लेंस देखने को मिल जाता है, जो कि ये आप देख सकते हैं एक मेन लेंस देखने को मिल रहा है जो कि एक सैमसंग का सेंसर है, GN1 सेंसर है सैमसंग का। और साथ में जो है आपको 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 2 MP के डेप्थ और माइक्रो लेंस देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरह का इसका कैमरा सेटअप है। इसमें आपको 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज और यहाँ पे आपको जो है मीडियाटेक हीलियो G88 का एक नया चिपसेट देखने को मिल जाता है जो कि ठीक परफॉर्म कर देता है। बहुत ज़्यादा हैवी परफॉर्मेंस नहीं प्रोवाइड करता लेकिन ठीक परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। G85 जैसी परफॉर्मेंस ही हमें जो है वो प्रोवाइड कर देता है। इसकी डिस्प्ले जो है वो एक 1080p की फुल HD डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाती है, जिसके साथ जो है रिफ्रेश रेट हम चेक कर लेते हैं। यहीं पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें 90 Hz तक जो है वो रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। एक 1080p की फुल HD डिस्प्ले है और 90 Hz तक जो हमें रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करती है। तो डिस्प्ले भी ठीक है, अच्छी डिस्प्ले है, ओवरऑल स्मार्टफोन काफ़ी बेहतरीन है। बट थोड़ा सा अगर चिपसेट ज़्यादा अच्छा होता तो ये स्मार्टफोन और ज़्यादा अच्छा रह जाता। अब इसका थोड़ा सा कैमरा भी चेक कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे एक दो पिक्चर्स लेते हैं और चेक करते हैं कि ये कैसा परफॉर्म कर जाता है ये स्मार्टफोन। सीरियसली अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो काफ़ी हद तक जो है वो डिटेल्स मिसिंग आई है। यहाँ पे देख सकते हैं कोई खास डिटेल्स भी नहीं प्रोवाइड कर रहा और कोई बहुत ज़्यादा एक्यूरेट कलर्स भी जो है वो नहीं प्रोवाइड कर रहा। तो इसके कैमरा से ज़्यादा एक्सपेक्ट ना कीजिएगा, बस जो है वो नॉर्मल सा ही कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। ये 50 MP का सेंसर ज़रूर है बट सैमसंग का GN1 सेंसर देखने को मिल जाता है। तो ये थी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।